नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरू करते हैं। कमलनाथ के घर पहुंची पुलिस, पीएम इगलानी के खिलाफ मामला दर्ज। छिंदवाड़ा में सियासी घमासान नए स्तर पर पहुंच गया है। अब भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पीए आरके मिगलानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस सिलसिले में 8 से 10 वाहनों में पुलिस सीएसपी अजय राणा के नेतृत्व में कमलनाथ के शिकारपुर स्थित बंगले पर पहुंच गई। जैसे ही यह सूचना मिली, कमलनाथ समर्थक भी बंगले पर जमा हो गए। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कमलनाथ के बंगले पर पहुंची सीएसपी अजय राणा ने बताया कि इस समय हम कुछ नहीं बता सकते। कोतवाली टीआई उमेश गोहलानी ने कहा कि विवेक बंटी साहू की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई थी, रूटीन पूछताछ के लिए आए हैं। जैसे ही पूछताछ पूरी होती है हम आपको जानकारी पूरी देंगे। इस दौरान पुलिस अधिकारी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। बंटी साहू का आरोप है कि कमलनाथ के पीए आरके मिगलानी और निजी चैनल के वीडियो जर्नलिस्ट ने अन्य पत्रकारों को मेरा आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के लिए 20 लाख रुपए का प्रलोभन दिया है। विवेक बंटी साहू ने 20 लाख रुपए की बातचीत का एक वीडियो भी जारी किया है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। इसको लेकर बंटी साहू ने पुलिस से में शिकायत दी थी। पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सहयोगी आरके मिगलानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का वीडियो वायरल करने के कथित मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने मिगलानी से पूछताछ की है। इसी सिलसिले में पुलिस पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पहुँची थी। पुलिस अब जाँच कर रही है। तो ये थी आज की खबरों की खबर। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।